मध्य प्रदेश के उज्जैन में जय संघर्ष ग्रुप संस्था के सदस्य ने पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई में पैसे वसूलने को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया। उज्जैन जय संघर्ष ग्रुप के सदस्यों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज पांडे को ज्ञापन देते हुए बताया कि कागज पूर्ण होने की अवस्था में भी पुलिस कर्मी द्वारा चालान कार्रवाई की जा रही है। यदि पेपर में कोई कमी हो तो वाहन चालक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाए। हम पुलिस की भी चोर बदमाश या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ने में मदद करते हैं, फिर भी पुलिस कर्मियों द्वारा हमारे वाहन को रोका जाता है और कागज पूर्ण होने की अवस्था में भी वाहन चालक पर रुपये के लिए दबाव बनाया जाता है। उज्जैन से अजय नेमक रिपोर्ट। हमारा जय संघर्ष वाहन चालक समाज संस्था है जी, मध्य प्रदेश राज्य जी, इसके संस्थापक है मराठी संजय जी होल्डर जी। सर जी, हम यहाँ पे उज्जैन में आज इसलिए एकत्रित हुए हैं कि उज्जैन में पुलिस का आतंक बहुत बढ़ा हुआ है। हर चौराहे के ऊपर 100-500 हज़ार रुपये हर गाड़ी वाले के पेपर कंप्लीट होने के बाद भी छीने जा रहे हैं जी। अगर हमारी गाड़ी के पेपर कंप्लीट हैं, पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं और सवारी कंप्लीट हैं तो हमारी गाड़ी को मुक्त किया जाए, वरना उज्जैन में ऐसा आतंक हो गया जैसे हमने कोई बॉर्डर क्रॉस कर दी हो। मतलब उज्जैन आना लोगों ने बंद कर दिया है। उज्जैन में जिस चौराहे भी जाओगे ये सिंगल ना पुलिस वाला मिला है, गाड़ी रोक के 500 रुपये लाओ, 200 लाओ, डराता धमकाता है, आतंकवाद तक बात करता पुलिस वाले। अभी सर ने क्या आश्वासन दिया? सर ने बोला कि हम आपने जो दिया है उसके लिए हम आपका सहायता करेंगे, आप जो बोल रहे हो आपकी मांगें पूरी करेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? रमेश परमार, मध्य प्रदेश राज्य अध्यक्ष आपका।